मीन राशि जो है उसका स्वामी गुरु है और जल तत्व की ये राशि है, तो आपके लिए ये साल काफी मंगल में रहेगा और आपको अपना धार्मिकता बढ़ानी चाहिए और योग भगाए रोग इस सिद्धांत पे चलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप साधना उपासना करेंगे उससे लाभ रहेगा और सबको सलाह भी दें, आप ज्ञान बांटें, क्योंकि आपकी राशि गुरु की राशि है तो आपको योग का ज्ञान जो है लोगों को देना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि हमें किस तरीके से जीना है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है या इतने अलग अलग तरीके वेरिएंट वाली जो है रोग जीवन के अंदर आ रहे हैं उनसे कैसे मुक्ति पाएं, तो बृहस्पति जिनकी राशि का स्वामी है उनको इन रोगों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जो है जाप करना चाहिए और सबको प्राणायाम जो है जरूर करना चाहिए सुबह उठ के, कम से कम जो है अलोम विलोम 108 बार करें। इसके अलावा जितने भी योग के सिद्धांत हैं मयूर आसन जो है जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे लंग्स जो है काफी मजबूत होते हैं। तो जिनकी मीन राशि है उनके लिए यह साल अच्छा है, परंतु मैं उनको यही सलाह दूंगा कि सबको जो है एक योग जरूर सिखाएं, ज्ञान बांटें, एजुकेशन दें और स्वस्थ जीने का तरीका सिखाएं और खुद भी उपवास रखें और हफ्ते में एक दिन हो सके तो सब लोगों को सलाह दें कि उपवास रखें, जिससे कि आप जो है स्वस्थ रहें। जो भी हमारे जीवन के अंदर जितनी भी प्रथाएं आ रखी हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, चाहे होली है, दिवाली है, दशहरा है, जो भी त्योहार हमारे जीवन के अंदर आते हैं उन त्योहारों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिफिक महत्व होता है और जिनको लोग जो है कम करते जा रहे हैं। होली में कलर का प्रयोग जो है बहुत जरूरी है, उससे कैंसर रोग नहीं होता, मैं आपको बताऊं। उसी प्रकार से उपवास रखने से आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहती है और आप डिऑक्सीफाइड हो जाते हैं। हाँ। तो शास्त्र जो बता रहे हैं आपका ये साल काफी अच्छा रहने वाला है और आप लोगों को भी सलाह दें। बिल्कुल वाणी जी, कोई एक ऐसा नंबर जिसका अंक अगर ये है तो उसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है 2022 में? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 4 और 7, क्योंकि इनकी लाइफ में वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। और नंबर 8 के लिए मैं कहूँगी कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका कार्मिक अकाउंट खराब होता है, कि कोई भी ऐसी चीज विच इज यू नो, अगर आपकी कॉन्शियस जो है अंतरात्मा अगर आपकी उस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो आप उस चीज को ना करें। ओवरऑल अगर मैं एक जनरल बोलूं तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो है, क्योंकि ये साल शुक्र का साल है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अपनी बहुत ही ज्यादा क्लीन रखें, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट वहां पर ना रखें, ब्लैक कलर की कोई भी चीज ना रखें। जितना ज्यादा आप अपना साउथ ईस्ट क्लीन रखेंगे आप उतना ज्यादा लाइफ में जो है नई अपॉर्चुनिटीज, नया करियर, हैप्पीनेस और ग्रोथ को जो है अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, अपने कार्मिक अकाउंट जो है बहुत अच्छे रखिए। आपकी वाणी से जो है कभी भी किसी को जीवन में जो है कोई भी जो है हानि नहीं होनी चाहिए। सो 4 और 7 वालों को अपनी वाणी पर बिल्कुल खास जो है वो ध्यान रखना है और आप जितना ज़्यादा हो सके फ्राइडे को पिंक कलर, फ्लोरल, सिल्क और ऑफ वाइट का यूज़ कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, नेचर वॉक कीजिए, नंगे पांव घास पे घूमिए, ये सब रेमेडीज कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत लकी जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं और जाते जाते डालमिया जी कोई संदेश, कोई मैसेज जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, जैसे कोरोना का जो टाइम था वो 3.5 साल था और अभी हम देखें तो 2 साल बीते हैं, लेकिन 1.5 साल हमें थोड़ा सा और सतर्क रहना है। जून के बाद केसेस घटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें, चाहे हम हैं या हमारे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, हर चीज को बैलेंस करके, हर चीज को एक ब्लेसिंग देते हुए, अच्छी वाइब्रेशन के साथ, अच्छी विल पावर के साथ, स्ट्रांगली खड़े होके बैलेंसिंग लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये सभी के लिए मैं बताऊंगी। दूसरा, अपना भी ध्यान रखेंगे, दूसरों का भी रखेंगे, साथ ही साथ अच्छा म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फिट करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए तो इस तरीके से अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए इन सब अच्छी चीजों में, अपने बड़ों का भी, जैसे हम बात करें या कार्मिक या किसी भी पूजा पाठ की या मंत्रों की, सबसे पहले जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं शुरुआत आप उनका आशीर्वाद लेके करिए। अगर हमें ज्ञान की बात कर रही हैं तो बड़े बूढ़ों के साथ में अपना समय व्यतीत करिए। और हमारे आसपास इतने अच्छे हर्ब्स हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं कि हम अपनी वाइब्रेशन को खुद ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए बैलेंसिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये साल भी हम बहुत अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। जी बिल्कुल।